बाबू ये आपका सिलेबस है, इसी को ध्यान में रख के सरदार ओवरमैन का हम बहुत सारा चीज आप लोग को बता रहे हैं, और बहुत सारा चीज मेरे प्लेलिस्ट बाकी भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए, इसमें से आप देखिएगा सारा वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है मैक्सिमम, जो अभी नहीं है बाकी भी प्लेलिस्ट मिला के तो हम आप लोग को भेजेंगे। ठीक है, सल्वेजिंग पार्ट टू किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाया, उसको हम डिलीट करके बना के फिर से भेजेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है। ये कुछ सिलेबस को आप देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम चीज हम बता दिए, मेरे चैनल को सर्च कीजिए। एंकोरेज टेस्टिंग वाला दो छोटा छोटा वीडियो हम कई बार ग्रुप में भेजे हैं, वो आपको माइंड रॉक मैकेनिक्स एंड माइंड सपोर्ट वाले मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जाके एक बार चेक कीजिए। आप लोग एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट वाला, ओपन कास्ट में भी कुछ संबंधित ब्लास्टिंग का चीज है, वहां पे भी डाला हुआ, वहां पे भी जाके चेक कीजिए। ठीक है, ब्लास्टिंग को चेक करना है तो एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज, सॉलिड ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट, वहां जाके चेक कीजिएगा, तीनों जगह मिलाइएगा, आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा जो यहाँ लिखा है ना, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ दिया है, वो सबको मिल जाएगा वहां पर। अभी आपको दिया मेथड ऑफ टिम्बरिंग एंड सेटिंग ऑफ सपोर्ट, ये जो पॉइंट नंबर टू है इसके ऊपर एकदम याद रखिए, तीन चार गो चाहे सरदारी या वॉरमैन में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ टिम्बरिंग एंड सेटिंग ऑफ सपोर्ट दिया है, ये दिया है ना, तो टिम्बरिंग में क्या क्या था, प्रॉप्स है, क्रॉस बार्स है और आपका कॉक्स है, और बाकी आपके जो रूप बोल्ट है, केबल बोल्टिंग है, ये आ गया टिमरिंग के अलावा। उसके अलावा आपका ये तो अंडरग्राउंड वाला हो गया, आपका कहाँ का बोर्ड एंड पिलर का। अब लांगवाल में चलिए तो वहां तीन टाइप का सपोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं, पावर सपोर्ट है आपका, फ्रिक्शन प्रॉप है, हाइड्रोलिक प्रॉप्स है। तो आप बोलिएगा कि सर सालवेजिंग में आप सालवेजिंग चेम्बर को सपोर्ट तो दूसरे तरीके से बता रहे थे, तो बेटा वो सिर्फ सालवेजिंग के लिए, मतलब एक्चुअल में लांगवाल में हम जब वर्किंग करते तो ये तीन सपोर्ट है। अब जब सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको जो है उस जगह को भी हमको सपोर्ट करना होता है, ताकि हम सपोर्ट करते करते वो कोलेप्स ना हो जाए। ठीक है, और पहली बात तो अब आता है कि सपोर्ट क्यों करते हैं, सपोर्ट हम क्यों करते हैं। देखिए सपोर्ट हम क्यों करते हैं, ये मेरा जो भी कोल मेजिंग रॉक्स होता है जनरली लेमिनेटेड होता है, चादर के रूप में होता है, लेयर के रूप में होता है। ठीक है, लेमिनेटेड बोलिए, बेडेड बोलिए, स्ट्रेटिफाइड बोलिए, एक ही बात होता है। ठीक है, चादर के रूप में, जैसे ये उंगली अलग अलग भी दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, ये हो गया तो ये एक एक लेयर हो गया, एक दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, मतलब इनको बोलेंगे लेमिनेटेड है। देखिए अभी कैसा एकदम एक दूसरे के उससे साथ सटल है, लेकिन ये रॉक बेड के ऊपर यदि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, और ये इनका अपना भी वजन होगा, और हमने गैलरी बना दिया, क्या किया, गैलरी बना दिया, यहां पे गैलरी बना दिया, तो क्या हो गया, यहां का जगह खाली हो गया, खाली हो जाने से ये जो बेड है ऊपर से तो प्रेशर लग ही रहा है, ये बेड के अपने भी वजन से ये सब बेड धीरे धीरे क्या होगा, झुकने लग जाएगा, क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा झुकने लग जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से अलग होंगे, डिपार्ट होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेड सेपरेशन, ये सब भी बताया है माइंड और रॉक मैकेनिक्स वाले प्लेलिस्ट में। तो सपोर्ट क्यों करते, कोई एक लाइन में बोले बचुआ तो क्या बोलिएगा, एक लाइन में बोलिएगा, टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन, क्या बोलिएगा, टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन। ये जो बेड्स है, ये जो एक दूसरे से भगवान ने आप चिपका के रखा है, उनको अलग अलग होने से रोकने के लिए हम माइंड में सपोर्ट लगाते हैं, चाहे वो एक्टिव सपोर्ट लगाए, चाहे पैसिव सपोर्ट लगाए। ठीक है, सपोर्ट लगाने का एक ही कारण है, टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन, क्योंकि एक बार जब बेड सेपरेशन हो गया तो कोई भी दुनिया का सपोर्ट काम नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ, चाहे एक्टिव सपोर्ट लगाइए, चाहे पैसिव सपोर्ट लगाइए। पैसिव सपोर्ट में क्या आता है आपका, क्रॉस बार्स है, प्रॉप्स है, कॉक्स है, दीज आर द पैसिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट में क्या आता है आपका, केबल बोल्टिंग है, रूप बोल्टिंग है,
एक एक टू सपोर्ट करता क्या बेटा, ये कुछ नहीं करता है, ये रॉक मास के अंदर हम इसको घुसा देते हैं, तो रॉक मास के अंदर घुसा देता तो रॉक मास के प्रॉपर्टी को रिइंफोर्स कर देता है या इनहेंस कर देता है, रॉक मास की प्रॉपर्टी को ही बढ़िया कर देता है। अब बढ़िया कर देने से वो जो हम बेड सेपरेशन वाला थीम बताए ना वो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़िया से अपना रॉक मास जो है चुपचाप अपनी जगह में रहेगा, अलगे अलगे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मजबूती में ताकत है। कोई बोल रहा था कोनो बीम थियरी बताए थे, रूपबोल्ट वाला बीम थियरी बताए थे, रूपबोल्ट का भी सारा बीम थियरी है और कौन कौन सा सस्पेंशन थियरी, किंग थियरी, आप ही लोग ने जानते जी, हमको थोड़ी याद है, तो वो सारा थियरी हम बताए हैं, जाके देखिएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट करने का पर्पज हुआ, लेकिन सपोर्ट पेशी सपोर्ट जितने भी है, क्रॉस बार्स हुआ, प्रॉप्स हुआ, कॉक्स हुआ, इसको सपोर्ट के साथ पूरी तरीके से टाइट रखना होगा, तभी वो बेड सेपरेशन को रोक पाता है। आप पढ़े होंगे प्रॉप्स, तो प्रॉप्स के ऊपर एक लीड लगाते हैं, ये देखिए ये का लगा है, एक मिनट थोड़ा इसको ऐसा घुमा देता हूं तब समझ आएगा, देखिए बचवा ये का लगा है, प्रॉप के ऊपर लीड लगा दिया, काहे लीड लगा दिया, दो तीन पर्पज है, एक के नहीं है, दो तीन है। पहली बात तो लीड लगा देने से ये रूप के साथ इस प्रॉप को टाइट रखने में मदद होगा, क्योंकि कोई भी टाइप का पेशी सपोर्ट हो उसको क्या बोलता है, सेल बी कैप टाइट अगेंस्ट द रूप, ऐसा बोलता है, मतलब रूप के साथ उसको टाइट रखना होगा, ये बोलता है। तो ओकरा पर्पज से ये यहां लीड लगा दिया मैंने, ठीक है। ए दूसरी बात, ये देखिए प्रॉप का तो मान लो प्रॉप ऐसा नहीं रहता जी, तो ये इतना ही ना जगह घेरेगा, अब ये देखिए ये इतना बड़ा जगह को घेर रही थी, छोटा सा पिक्चर देखे तो इतना मतलब अधिक एरिया को घेरा, तो स्वरूप के अधिक एरिया क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक तो रूप के साथ टाइट रखने के लिए, दूसरा अधिक एरिया घेर रहा है तो अधिक एरिया को क्या कर दे रहा है, रूप के को सपोर्ट कर दे रहा, तीसरा क्या काम है, यदि ऊपर से लोड आता है तो क्या करेगा, पहले ये अपना लेगा, ओकरा बाद लोड ट्रांसफर करेगा इस प्रॉप के ऊपर, तो उससे क्या फायदा होगा बेटा, फायदा यह होगा कि रूप नहीं टूटेगा जल्दी, ठीक है। चौथा क्या इससे और हमको फायदा है कि जब लोड आ रहा है तो ये टूटने फटने लगता है, पहले कौन, पहले आपका लीड, उसके बाद प्रॉप में कुछ होगा, तो हमको लोड का इंडिकेशन भी पता चल जाता है। तो रोप के प्रॉप के ऊपर में क्या लगाते हैं, हम लीड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लीड। वैसे अब जब हम आपको क्रॉसबार बताएंगे वहां बताएंगे लेगिंग्स, LAGGING लेगिंग, ठीक है, वो बात की बात है, अभी हम देख रहे हैं प्रॉप। तो प्रॉप को लगाना कैसे है, प्रॉप को लगाना कैसे, प्रॉप को लगाना है साउंड फाउंडेशन पे, एकदम हार्ड तल्ली पे लगाना, कड़ा तल्ली पे लगाना, नहीं तो प्रॉप घुस जाएगा नीचे तल्ली में, तो हम तो बोले कि रूप के साथ टाइट रहना चाहिए, तो रहेगा नहीं रहेगा, तो कहां लगाना चाहिए, प्रॉप शैल बी सेट ऑन सिक्योरली साउंड फाउंडेशन, देखिए यहां ऐसे ही लिखा होगा, यहां पे प्रॉप्स का हेडिंग है शैल बी shall be set securely on a sound foundation and shall be kept tight against the roof. एक बात हुआ, प्रॉप को हमेशा कहां पे लगाना है, कहां सेट करना, सेट मतलब लगाना, कहां सेट करना है, ऑन ए साउंड फाउंडेशन, हार्ड तल्ली पे रखना है। देखिए ये मेरा हार्ड तल्ली था तो मैं यहां पे इसको खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद एक रूप से टाइट रखने के लिए लीड लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, द लीड यूज ओवर द प्रॉप शैल हैव, अब इसका डायमेंशन बता रहा, क्या बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है, ठीक है, इस लीड का डायमेंशन, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इस लीड का विड्थ कितना रहना चाहिए, थिकनेस कितना रहना चाहिए और लेंथ कितना रहना चाहिए, ठीक है। ब्लेड बेस पीस वाले में पांच पांच का आंकड़ा वाला कभी आएंगे, ये वाले में आ रहे हैं, उसमें सब पांच पांच का है, इसका अलग चीज है, इसका विड्थ कितना रहना चाहिए, लेंथ कितना रहना चाहिए, लेंथ आधा मीटर, 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, दो दो बात बोल देता हूं बेटा ताकि याद रहे, ठीक है। इस
इस लीड का डायमेंशन जो है क्या रहेगा, इसका जो विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है, ये देखिए ये ऐसा ना रहेगा जी लीड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये चौड़ाई, ये क्या हो गया मोटाई, और ये हो गया लंबाई। तो ये जो चौड़ाई है विड्थ, विड्थ नॉट लेस देन द डाया ऑफ प्रॉप, ये जो प्रॉप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका डाया मान लो मेरा डाया 15 सेंटीमीटर का है, मान लो कितना है 15 सेंटीमीटर का, एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 15 सेंटीमीटर का है डाया ऑफ प्रॉप है। तो विड्थ ये वाला जो विड्थ होगा, ये वाला, ये मान लो मेरा ये लीड है, तो ये विड्थ कितना होगा, नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर। ये एकदम याद रखिएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा एमसीक्यू में। विड्थ ऑफ लीड क्या आएगा, विड्थ ऑफ लीड नॉट लेस देन द डाया ऑफ द प्रॉप, विड्थ ऑफ लीड नॉट लेस देन द डाया ऑफ द प्रॉप। थिकनेस कितना रहेगा, ये कितना मोटा रहेगा 8 सेंटीमीटर, कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर, और लंबा कितना रहेगा आधा मीटर, आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। ये लीड, इसका बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया। हमने क्या बोला, पहला बात बोला था कि प्रॉप शैल बी सेट ऑन सिक्योरली साउंड फाउंडेशन, ऐसा ना बोला कि हार्ड तल्ली पे एकदम बैठाना है, इसको खड़ा करना है, सेट करना है। लेकिन कहीं कहीं पे मान लो स्टोइंग करे तो वहां तो फ्लोर में रहते होगा सैंड, बालू जिसको बोलते हैं, ठीक है, या कहीं कहीं पे आपका जो फ्लोर है वो एकदम लूज मटेरियल है वहां पर, या धसने टाइप का है, तो क्या कीजिएगा, धसा दीजिएगा पर आपको बटन में ना, हम क्या करेंगे फ्लैट बेस पीस लगाएंगे। जैसा ही लीड होता वैसे ही फ्लैट बेस पीस भी हम लगाते हैं, लेकिन फ्लैट बेस पीस का लंबाई ज्यादा रहता है, ख्याल रखिएगा। फ्लैट बेस पीस तो हम क्या करते हैं, लूज मटेरियल होगा वहां पे एक ऐसा फ्लैट बेस पीस, इसमें 5 × 25 × 75 याद रखिएगा, सब में 5 5 है, 5 × 25 × 75, सबसे ज्यादा बड़ा फिगर क्या होगा, अरे लंबाई होगा। तो देखिए 75 सेंटीमीटर लेंथ, 25 सेंटीमीटर वेट, और 5 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर थिक, कितना मोटा रहेगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन लीड कितना मोटा रहता है बेटा, लीड रहता है 8, लीड कितना मोटा रहता है 8, फ्लैट बेस पीस कितना रहता है मोटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 5 × 25 × 75 ऐसा याद रखेंगे। देखिए यहां कहीं हम लिखे प्रॉप इज सेट ऑन सैंड और लूज मटेरियल, प्रॉप इफ लिख दीजिएगा यहां, इफ प्रॉप इज सेट ऑन सैंड और लूज मटेरियल, यदि प्रॉप को सैंड या लूज मटेरियल पे आप लगाते हैं तो फ्लैट बेस पीस शैल बी यूज, तो फ्लैट बेस पीस यूज करेंगे और उसका डायमेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर इन थिकनेस, 25 सेंटीमीटर वेट एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब हम देखते हैं अंडरसेट प्रॉप, अब क्या देखते हैं अंडरसेट प्रॉप, बाबू अंडरसेट प्रॉप, अंडरसेट प्रॉप क्या होता है, आपका रेगुलेशन 124 का सब रेगुलेशन 9 सेटिंग ऑफ सपोर्ट को देखिएगा, उसमें इसके बारे में बताया अंडरसेट प्रॉप्स या अंडरसेट कॉक्स के बारे में बताया है। इंक्लाइंड सिम है, ये क्या है, ये इंक्लाइंड सिम है, तो इंक्लाइंड सिम है तो इसमें जो गैलरी बनेगा वो इंक्लाइंड गैलरी होगा, तो इंक्लाइंड गैलरी में यदि हमको प्रॉप्स लगाना है या कॉक लगाना है तो कैसा लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, सीधा खड़ा नहीं कर देना है, आपको देखना है कि ये इंक्लाइंड है तो ये आपका हुआ वर्टिकल लाइन, ये क्या हुआ वर्टिकल लाइन हुआ, और ये हुआ परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में प्रॉप लगा देना है, इसी को बोलते हैं अंडरसेट प्रॉप। देखिए ये भी लिखा है, एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज इन इंक्लाइंड गैलरी, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, व्हेन द प्रॉप इज सेट इन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल, प्रॉप इज सेट टू बी अंडरसेट प्रॉप। तो काहे लगा दिया ऐसा, हमने क्या किया, इंक्लाइंड गैलरी है
तो उसमें वर्टिकल और परपेंडिकुलर के बीच में प्राप को सेट किया लगाया, इसलिए ये डीप डायरेक्शन है। जब भी आपका रॉक मूवमेंट होगा, स्टाटा का मूवमेंट होगा, वो किधर होगा? इधर होगा। आपका रेगुलेशन वाई बोलता है कि स्टाटा मूवमेंट और इंक्लिनेशन आप सीम को रिगार्ड रखते हुए आपको प्राप लगाना है, ये बोलता हूं। ठीक है, रेगुलेशन 124 का 9 क्या बोलता है? आपका स्टाटा मूवमेंट और जो सीम का इंक्लिनेशन है या ग्रेडियंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोफेसर कॉक्स लगाने के बोलता है 124:9 में। ठीक है, तो वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब मूवमेंट होगा रॉक्स का तो वो कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। दो आदमी चल रहा है, एक ऊंचा आदमी और एक ठिंगरा आदमी। ठीक है, एक 6 फीट का और एक मेरे जैसा 5.5 फीट वाला। तो यदि मैं सामने हो जाऊं तो वो जो 6 फीट वाले और हम दोनों के बीच में कोई चीज को लटका के चल रहा है कंधे पे, तो सारा का सारा वजन किधर आएगा? मेरे तरफ आ जाएगा ना। तो सेम चीज यहां पर भी होगा, प्रेशर जो ऐसा आएगा, तो जब प्रेशर डीप के तरफ आएगा तो ये जो अंडरसेट प्रॉप लगा या अंडरसेट आपका काग लगा होगा वो क्या करेगा? वो रूप के साथ और ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो और ज्यादा टाइट हो जाएगा तो ज्यादा सपोर्ट देगा। और हम पहले ही बोले कि सपोर्ट तभी इफेक्टिव होगा वो रूप के साथ यदि टाइट रहेगा। ठीक है, बाकी चीज को बाकी वीडियो में देखते हैं। क्रॉसबार और कॉक्स को एक वीडियो में देखेंगे।